आप देख रहे हैं रफ्तानु जेल सबसे तेज सबसे आगे। राष्ट्रीय एमएससी चिकित्सा शिक्षक संघ 2 सितंबर डेटा सीट के रजिस्टर द्वारा डीआर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोसाइटी 6602013 डेली वेब स्टेज www.medicalmsc.ors प्रधान कार्यालय A42 और रजिस्टर स्ट्रीट नंबर 3 वैश्वनौथु कोलोन इन 110C3 प्रेस कम्युनिकेशन में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने 29 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित अपने राजपत्रित दिशा निर्देशों में मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल MSc PhD योग्यता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के दिशा निर्देशों से एक यूटर्न लिया। पिछले MCI मानदंडों के अनुसार ऐसे शिक्षकों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मालॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विषयों में 30% की सीमा तक नियुक्त किया जा सकता है और जैव रसायन में 50% तक MD योग्यता के साथ शिक्षकों की अनुपलब्धता के अधीन किया जा सकता है। पूर्व परामर्श या संसद की मंजूरी के बिना NMC ने मेडिकल MSc PhD शिक्षक फार्मालॉजी के अनुमेय प्रतिशत को कम करने के लिए मनमाने ढंग से निर्णय लिया। यह दिशा निर्देश MBBS प्रवेश शुरू करने वाले नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे। एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में 5% और माइक्रोबायोलॉजी और 2021-22 बैच से पूरी तरह से बार MBBS सीट बढ़ाने और पुराने या नए मेडिकल कॉलेजों में सभी नई नियुक्तियों की मांग करने वाले पुराने मेडिकल कॉलेज परिणाम स्वरूप MSc PhD शिक्षक विशेष रूप से फार्मालॉजी और माइक्रोबायोलॉजी अन्य कॉलेजों में नई नौकरियों के लिए आवेदन के लिए अस्वीकृत हो रहे हैं जिनके कार्यालय या अनुबंध की अवधि समाप्त हो रही है। और मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे जो काम है मेरा वो काम मुझे करने दें और हमारा हक हमें वापस करें। मैं नेशनल MSc मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज हम देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग अपनी मांग को लेके आए हो, क्या आप लोगों की मांग है कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुँचना पड़े? देखिए, रिसेंटली जो NMC है, द नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने अपने जो गाइडलाइंस थे उसमें कुछ नए गाइडलाइंस लाए हैं जिसके चलते जो MSc मेडिकल के जो टीचर्स थे, जो जिनके पास मेडिकल MSc डिग्री और मेडिकल PhD डिग्रीज है, उनकी जो मेडिकल कॉलेज में उपस्थिति थी उसको कम कर दी गई है। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में इसको घटा के 15% कर दिया गया, जो कि पहले 30% थी, और बायोकेमिस्ट्री में वही चीज़ 50% थी, और फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में जहां वो 30% थी उसको कम करके आज उन्होंने 0 कर दिया है। अब ये कहना, ये कहते हैं कि आप अगर उसी कॉलेज में अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही आप किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो आप वहां पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कैसा कानून है कि एक ही देश में हम एक कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते? ये कैसा विचार है? तो किसको दोषी मान रहे इसके लिए? देखिए, ये जो है ये NMC की गाइडलाइन है, नेशनल मेडिकल कमीशन की, और हमारे देश में बहुत सारे लॉबीज हैं जो नहीं चाहती है कि मेडिकल MSc और PhD टीचर्स देश में पढ़ाए। जबकि आप अगर विदेशों में चले जाए, आप अमेरिका में जाए, आप ब्रिटेन में जाए, आप किसी भी देश में चले जाइए जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर जो पढ़ाते हैं, जो हम जो लोग हैं वो बेसिक साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो साइंस की सब्जेक्ट है। तो ऐसे कितने टीचर होंगे? मैं टीचर कहूँगा कि कितने होंगे लगभग? देखिए, हमारा जो एसोसिएशन है वो आज के तारीख में करीब करीब 2000 लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में करीब 5000 लोग हैं जिनको, जो प्रभावित होंगे इस नए गाइडलाइन से, जिनकी नौकरी खतरे में आएगी या आज नहीं तो कल उनकी नौकरी चली जाएगी। तो आज यहाँ पे किसी को ज्ञापन दोगे? हम हेल्थ मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम NMC के लोगों से भी मिलना चाहते हैं, हम मिल के बात करना चाहते हैं, पर हमने बहुत बार कोशिश की और हमको ये मौका नहीं मिला। हालांकि हम ये मानते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो हमारी बात सुनती है, और इससे पहले भी वो हमसे मिल के इस मुद्दे पर बात की है। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मिस्टर राजेश भूषण जी, उनसे हमारी बात हुई है, पर हम मंत्री जी से भी मिलना चाहते हैं। मंत्री जी हमारे भी मंत्री जी हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स की मंत्री नहीं है। सर, आप लोगों की मुलाकात नहीं होती, आगे के कदम आप लोगों के क्या होंगे? देखिए, हम इस बात को लेके कोर्ट में भी गए हैं, हमारा एक केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में इस गाइडलाइन के खिलाफ, और हम आज यहाँ पे विरोध जताने आए हैं। हम चाहेंगे कि इस विरोध से कम
जो मंत्री हैं, जो मिनिस्ट्री है, बाकी लोग हैं, वो भी जागेंगे, उनको भी पता चलेगा। हम लोग पर्दे के पीछे इतने सालों से मेहनत कर रहे थे जो किसी को पता नहीं था, आज ये बात उठ के आई है कि हाँ ऐसे भी लोग थे। कि दिल्ली के जंतर मंतर से एक मैसेज देना चाह रहे जी हेल्थ मिनिस्ट्री को जी, हम जिस लोग और कोई नॉर्मल लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे MSc PhD धारक लोग हैं जो लास्ट 70 साल से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। किसी की 20 साल की नौकरी है, किसी की 30 साल की नौकरी है, अब अचानक से आप कहो कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ तो जहाँ हो वहाँ तो रह जाओगे, आप देश में और कहीं नहीं जा पाओगे, ये हमारे फंडामेंटल अधिकारों के का उल्लंघन है। एक बड़ी साइंटिस्ट कम्युनिटी, हम लोग साइंटिस्ट हैं जो मेडिकल कॉलेज में बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं, चिकित्सा करने वाला सब्जेक्ट नहीं, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को अचानक से दरकिनार कर दिया जा रहा है। ये नॉट ओनली हमारे पर्सनल लेवल पे बुरा है, ये देश की साइंटिफिक वैल्यू के लिए भी बुरा है। हम जैसे लोग विदेशों के कॉलेजेस में ज़्यादा पाए जाते हैं बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, हम दूसरे देशों की अच्छी चीज़ें तो सीखें। जहाँ हम आज मेरी डिग्री लेके मैं UK US जा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं अपने देश में रहूँ, अपने देश के लिए काम करूँ, और वो हक हमसे छीना जा रहा है। मैं बाहर जाऊंगा तो शायद इस यहाँ से बेटर सैलरी में बेटर लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं, नहीं, पर हम अपने देश में रहकर काम करना चाहते हैं और वो हम हक छीना जा रहा है कुछ लॉबी के वजह से। NMC से पूछा गया कि क्यों किया गया है, तो वो अब एक CBME नाम की गाइडलाइन के पीछे छुप रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि MBBS के छात्रों को पहले साल से ही, जिस साल में हम लोग अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहीं से ही क्लिनिकल वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सरासर झूठ बात है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम नहीं पढ़ा सकते। जो फर्स्ट ईयर से वो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पे तो क्लिनिकल वाले टीचर हैं ही, वो पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, और वो 20% है पूरे सब्जेक्ट का। इसके लिए हम सबको निकाल देना, ये सरासर एक जुल्म है, ये हमारे अगेंस्ट में एक षड्यंत्र चल रहा है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट के थ्रू या फिर हमारे प्रोटेस्ट के थ्रू मिनिस्ट्री हमारी बात सुने, अगर वो नहीं सुनती है तो ऐसा एजिटेशन हम करते रहेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए जीने मरने का सवाल है। ये नियरली 5 से 10,000 लोग जो पूरे देश में है उनके जीने मरने का सवाल है, पढ़े लिखे साइंटिस्ट कम्युनिटी का सवाल है, और देश के हर समझदार व्यक्ति को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और हमारे बात को समझना चाहिए। जो नए स्टूडेंट है, जैसे हम देख रहे जो यहाँ पे टीचर है उनका प्रदर्शन चला, आप लोग भी यहाँ पे आए, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर? हमारा फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर है जी। हाँ, तो बस हमारे लिए तो कोई फ्यूचर है ही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। जिस तरह की बात की गई कि जिस कॉलेज में मेडिकल में आप लोग पढ़ रहे उसी में आपको आगे काम मिलेगा, उसके अलावा आप कहीं नहीं कर सकते? हाँ जी, वहाँ भी पॉसिबल है ही नहीं, कहीं भी पॉसिबल नहीं है, हमारी जॉब तो अब है ही नहीं कहीं पे भी। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं फिर भी हमारे लिए जॉब स्कोर नहीं, तो कुछ पढ़ने कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारा, तो ये जो NMSC ने बहुत गलत किया हमारे साथ। एक्चुअली में ये है कि जो ये रूल उनके लिए है, जो पहले से वहाँ पे पहले से फैकल्टी हैं उनके लिए ये कि वो उसी मेडिकल कॉलेज में आगे एज अ फैकल्टी रह सकते हैं, लेकिन कहीं और नहीं वो एज अ फैकल्टी जा सकते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहले से अभी कर रहे हैं या फिर जिनने अभी एडमिशन लिया है, वो कहीं पर जॉब नहीं कर सकते एज अ फैकल्टी। ठीक, तो आप लोग आगे क्या करेंगे, जिस तरह आज हम देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसके लिए भी हमारी नीति है, हम देखते हैं, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार पे, NMC पे और हमारे हेल्थ मिनिस्टर पे, हमें विश्वास है, हम बिल्कुल अपना पुरजोर विरोध करेंगे और हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे।